क्योंकि फाइनली बर्थडे के बाद एक और धमाकेदार शानदार शानदार इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस पहले तो माफ़ कीजिएगा बर्थडे के बाद वीडियो ला रहे हैं इसके लिए, है ना। तो दरअसल बात ये है कि बर्थडे के बाद वीडियो ला रहे इसका मेन कारण ही एक ही है कि मेरा फ़ोन ही पहले जो मैं फ़ोन यूज़ करता था वो मेरा पूरा फ़ोन ही बिगड़ गया। तभी मैं नया फ़ोन खरीद लिया हूँ। ये वाला फ़ोन है रियलमी नार्ज़ो 50 है ना, रियलमी नार्ज़ो 50 है, अभी यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए और भी कुछ मेरे पर्सनल कारण थे तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अभी वो सब तो बहुत हुआ। तो अगर आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल नॉलेजेबल टेक फॉर द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल का। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो रखें उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे आपके फ़ोन तक, है ना। और हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हैं, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम आपको बताएंगे हाउ टू यूज फोन मैनेजर। जी हाँ फ्रेंड्स, जो रियलमी का फ़ोन मैनेजर होता है जिससे मतलब स्कैनिंग वगैरह वगैरह जो होता है ना उससे, तो उसे कैसे यूज़ करना है ये इस बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको रियलमी के फ़ोन मैनेजर के बारे में अगर सब कुछ पहले से पता है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो स्किप करने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा से और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं ना। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा टाइम दे रहा है, एक क्विक क्लीन है उसका ही है, मैं आपको अंदर जाके वो सब दिख रहा हूँ। फोन मैनेजर फोन मैनेजर है ना। तो डबल टैप करते हैं और आप सोचेंगे मतलब कि ईटी एलिक्वेंस क्यों नहीं यूज़ कर रहा है। बस ऐसा ही, मैं ईटी एलिक्वेंस और ऑटो डिटेस और वोकलाइजर भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फोन मैनेजर को ओपन कर लिया है, अब देखते हैं राइट स्वाइप करते क्या है। ऑप्टिमाइज, ये देखिए ऑप्टिमाइज। जैसे आप फ्रेंड्स इसके अंदर जैसे आप आओगे फोन मैनेजर पे, जैसे डबल टैप करोगे आपका फोन ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट ही होता है, ऐसा ही होता है। अभी मेरा भी ऑप्टिमाइज हो रहा है, शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता है ना। ऑप्टिमाइज अब देखते हैं। ये देखिए 100% ऑप्टिमाइज हो चुका है अभी। इन गुड कंडीशन सम आइटम्स कैन बी ऑप्टिमाइज। ये जो अंडर की एप्स को होता है जो फॉल्ट के एपीके उन सबको ऑप्टिमाइज कर देता है। शायद बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है पर उससे कुछ होगा तो नहीं, शायद देखते आगे क्या है। ऑप्टिमाइज बटन, ये देखिए आप इधर से अगर फिर से चाहे मैन्युअली भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर डबल टैप करोगे ऑप्टिमाइज बटन पे तो वो फिर से ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और राइट स्वाइप करते हैं। क्लीन अप स्टोरेज 26.8 GB। ये देखिए क्लीन अप स्टोरेज, आप इधर से क्लीन भी कर सकते हो, है ना। इधर से स्टोरेज को भी क्लीन कर सकते हो, इसके अंदर जाके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए अगर आप इसके ऊपर डबल टैप करोगे ना फ्रेंड्स तो आपको पैसे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये आपका सारा जो फाइल्स और फोटोज है ना वो गूगल ड्राइव में सिंक करेगा। ये देखिए बोल रहा है Optimize storage for photos. Save original photos in HitUp Cloud and smaller copies. ये देखिए HitUp Cloud में सेव करता है। This can free up about 29.2 megabytes of space. ये देखिए 29.2 megabytes शायद आपको free में दे सकते हैं पर नहीं करना है। Go button. ये go पे करोगे तो सीधा वो start हो जाएगा, आपका पैसे फिल्म है।
और इधर आगे राइट सब करोगे तो आएगा डीप क्लीनअप फोटोज 30.9 ये फोटोज का ये पर इधर से आप कुछ मत करना क्योंकि इधर से सब वही आता है मतलब कि इस वाला ऑप्शन में सिर्फ क्लीन ही कर सकते हैं इधर से स्टोरेज सब बैक करते हैं और आगे कुछ दिखाना बहुत सर तभी हम इधर से क्लीन अप स्टोरेज इसमें गए थे ना 64.2 फुली है वायरस स्कैन नो मलिशियस एप्स कॉलम ये है वायरस स्कैन नो मलिशियस मतलब कि ये ऑटोमेटिक आपका वायरस स्कैन करता रहेगा ठीक है ये ऑटोमेटिक वायरस स्कैन करता रहेगा आपका ये जब भी आप स्कैन रहोगे तो ऑटोमेटिक वायरस स्कैन भी कर देगा पर अगर आप फिर से चाहो तो आप वायरस स्कैन पे डबल टैप करके इसके ऊपर डबल टैप करके स्कैन कर सकते हैं मैं अभी इसलिए नहीं स्कैन कर रहा हूँ क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है वैसे वायरस स्क्रीन रिकॉर्डर में नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं पर फिर भी कुछ बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी ना फिर रिकॉर्डिंग पूरी फिर से करनी पड़ेगी वैसे कुछ है ना अगर आप इसके ऊपर डबल टैप करोगे तो फिर आपको एक आधी मिनट तक वेट करना है वो स्कैन हो जाएगा ना प्राइवेसी परमिशंस प्रोटेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशन ये परमिशन का ही है इसमें कुछ है नहीं ऐप मैनेजमेंट ये ऐप मैनेजमेंट में इसमें सारे ऐप सर वो सब दिखाएगा मैं आपको जाके दिखा देता हूँ ऐप लॉक फ्रेंड्स एक मिनट थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आएगा घड़ी है अभी देखते क्या है फिंगरप्रिंट की परमिशन मांग रहा है एक मिनट ऐप मैनेजमेंट लोडिंग 3 पीरियड ये लोड हो रहा है ठीक है नेविगेट अप बटन तो अभी आपको थोड़ा और अच्छा आवाज आएगा मेरा ऐप मैनेजमेंट मोर ऑप्शंस बटन मोर ऑप्शन सर्च 83 आइटम्स सर्च एंड्रॉइड एक्सेसिबिलिटी स्वीट इन लिस्ट एंड्रॉइड ये सारे ऐप है ठीक है आप चाहे तो इधर से किसी ऐप को ऑफ कर सकते हो जैसे मैं इधर से आपको रेकमेंड करूंगा कि इधर से ऑफ ना करें क्योंकि इधर आपके सारे पर्सनल ऐप भी इधर आ जाते हैं ना तो कुछ ऐप्स फ़ोन के जो प्राइवेट ऐप होते हैं उनको ऑफ मत कीजिएगा हाँ ऑडियो मतलब कि जो आप डाउनलोड करते हो उनको ऑफ कर सकते हो बिजनेस पर जो कंपनी वाले ऐप है उसे ऑफ मत कीजिएगा दिक्कत आ सकती है ना कैलेंडर कैमरा तो थोड़ा बैक करता हूँ मैं फोन एक मिनट ऐप मैनेजमेंट जाके मुझे कुछ दिखाना था और सॉरी एक मोर ऑप्शन है इसमें जाके देख लेते हैं शो सिस्टम में ये इसका क्या यूज है मेरे को नहीं पता है शो सिस्टम मैं इस पे नहीं क्लिक कर रही अपने को अभी इतनी स्क्रीन पर सर्च एंड्रॉइड और अभी मैं इसका बैक करता हूं ठीक है फोन मैनेजर ऐप मैनेजमेंट बैटरी 27H लेफ्ट ये बैटरी का है इसमें आपको दिखाई देगा अपने किस किस अपने कितने कितने बैटरी का है मैं आपको दिखा देता हूँ फिंगर मांग रहा है एक थोड़ा टू रेकमेंडेड ऑप्टिमाइजेशन मतलब क्या रेकमेंड कर रहा है कि क्या क्या ऑप्टिमाइज करना चाहिए से पावर सेविंग मोड ऑन कर सकते हो सुपर पावर सेविंग ये सुपर पावर सेविंग मोड का एडवांस सेटिंग्स ये एडवांस सेटिंग है बैटरी यूसेज ये देखिए जो अपना डाटा खाया है ना उसका है ठीक है मतलब कितना चार्जिंग है सॉरी बैटरी का है Google Play Services 1.88% ये इसने इतना डाटा खाया है अब इधर से सब कर सकते हो 1.23% है ना तो मैं बैक करता हूँ फोन मैनेजर बैटरी फोन मैनेजर तभी इसमें तो इतना ये पर फोन टूल्स इसमें क्या लिख लेते हैं पेज 2 ऑफ 2 पर्सनल सेफ्टी और एसेट सिक्योरिटी पर्सनल सेफ्टी इमरजेंसी कॉल रो 1 ये इमरजेंसी कॉल है फ्रेंड्स ये इमरजेंसी इंफॉर्मेशन इसके लिए इसके ये इन सब फीचर्स के ऊपर मैं एक अलग से फोन मैनेजमेंट सॉरी इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ठीक है डेडिकेटेड लॉक रो 1 कॉल ठीक है तो इमरजेंसी कॉल सिस्टम लॉन्चर फोन मैनेजमेंट एक मिनट इमरजेंसी पेमेंट प्राइवेसी ऐप लॉक रो 1 नंबर फोन मैनेजर
फोन मैनेजर में हमें लिखा है गलती से टूल्स वाले ऑप्शन में हमें नहीं जाना था, ऑप्टिमाइज। तो अभी एक मोर ऑप्शन लास्ट में देखना बाकी रह गया, अभी उसी भी देख लेते हैं। ऐसे इसमें कुछ होगा तो नहीं शायद, सेटिंग है देख लेते हैं, सेटिंग है इसमें जाके भी देख लेते हैं ना। फोन मैनेजर सेल्फ चेक एवरीडे इन लिस्ट, ये सेल्फ चेक है एवरीडे पे रखेगा, मतलब कि इसे इसका मेरे को पूरा ज़्यादा वो नहीं है, पर ये बाय डिफॉल्ट में एवरीडे आता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। ऑटो स्टोरेज क्लीनअप एवरीडे, तो फ्रेंड्स ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ऑटो स्टोरेज क्लीनअप एवरीडे। इससे क्या होगा, आपका जो फ़ोन का स्टोरेज है वो हर रोज़ क्लीन होगा, मतलब कि जो कैश डेटा है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक। मतलब कि डेटा क्लियर नहीं होगा, सिर्फ आपका कैश है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर कैश है जो होता है ना, क्लियर डेटा के बारे में, तो आपका जो कैश है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, डाटा क्लियर नहीं होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और ऑटो अपडेट यूजिंग वाईफाई ओनली, तो ये ऐप्स का है, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो ऑटो अपडेट वाईफाई ओनली से हटा के, तो आपका डेटा भी ले गया। पर अभी इस पर क्या है ना, अगर आप इसे वाईफाई से कनेक्ट करूँगा मैं, तो हम ऑटोमेटिक सारे ऐप्स अपडेट हो, ऑटोमेटिक सारे ऐप्स अपडेट हो जाएंगे है ना वाईफाई पे। और अगर वाईफाई पे नहीं होगा तो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा, मैन्युअली हमें अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इधर से इसे चेंज कर सकते हो और देखते हैं। वायरस स्कैन इंजन App cleaner reminder sends notifications to remind the user to clean up junk files when the cache of apps such as WeChat, QQ and WhatsApp exceeds the threshold checked on. तो फ्रेंड्स इस फीचर को, ये मेरे को बहुत पसंद आया, सच बता रहा हूँ, ये फीचर को आप ऑन ही रखिएगा, ठीक है। ये है ऐप क्लीनर का है, इससे क्या होगा ना, जब भी आप मतलब कि आपके फ़ोन में आपका WhatsApp या कुछ भी ऐप है और उसमें अभी कैसे बर्ट होते हैं, मतलब कि बर्ट कैसे जंक फाइल पड़ी है, तो ये ऑटोमेटिक आपको नोटिफाई करेगा, ठीक है। ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि आपको इसमें बहुत सारी जंक फाइल है, तो आप उधर से फिर सीधा क्लीन कर सकते हो, ठीक है। तो अबाउट, ये इसका अबाउट है, इसमें और कुछ नहीं है, फोन मैनेजर है ना, मोर ऑप्शन ऑप्टिमाइज। तो एक मिनट, सेटिंग जाने से पहले मुझे एक और चीज़ दिखानी थी ना, मैसेज कॉन फोन अनलिंक फोन फोन प्लेस असिस्ट फोटो फ्री ओवर गुरुवार 4 बजे पेज टू फोन कॉन्टैक्ट मैसेज क्रोम इंटरनेट सेटिंग मतलब कि दिखाने की बात कर रही थी, म्यूजिक और वीडियो टीम्स गेम माइक वो भी तो मैंने तो थी फिर चेक कॉन्टैक्ट कैमरा व्हाट्स मैंने आपको कुछ बताया था, एक मिनट है आपको प्लीज सुना, पेज 3 ऑफ पेज 4 ऑफ ये पेज वाला मैं कर दूंगा, ये रहा देखिए हाउस एसपीकेजी इंटरनेट हैज 50 messages contact phone unlink folder play store assist photo brief overcome guruva 4 clock chrome message contact phone unlink folder play store assistant page 2 of my phone clock use with team game finch contact camera what's deli len mode page 3 of 4 chrome कुछ तो दिखाना चाहता हूँ, तो छोड़ो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, उससे मैं आपको अगले कोई और अगले वीडियो में दिखा दूंगा, ठीक है। ठीक है फिर, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो फोटो असिस्ट प्लीज फोर फोर, ठीक है, तो उम्मीद आप समझ सकते हो। माय फाइव क्लॉक मैं दिखा दे रहा क्विक क्लीनर का आता है ना, तो उसको दिखाना चाहता था, पर ग्रीन फिंच हॉट ऐप कैमरा बहुत सारे के बीच में गई लेन मोच page 3 of 4 s contact for unlimited feel sonic vocal auto super text to audio plus yacht studio robot hand click stream downtown new draw you quickly here are the key friends
माफ कीजिएगा बहुत टाइम लगा पर मिल गया। ये आप मतलब कि ये आप अगर फोन मैनेजर में जाओगे तो आपको तीसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है, क्विक क्लीन का। इसके ऊपर डबल टैप करके आप इसे बाहर ला देना, ला सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप सीधा ही इधर से बाहर से कुछ भी क्लीन कर सकते हो, ठीक है। क्विक क्लीन ये फोन मैनेजर का ये, तो बस ये दिखाना चाहता हूँ। मैं इसके ऊपर डबल टैप कर देता पर प्रॉब्लम ये है ना फ्रेंड्स, अगर डबल टैप करूँगा तो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। देखिए सर कर देते हैं, नो जंक, देखिए नो जंक फाइल, ऑप्टिमाइज इधर से भी वही ऑप्शन आ रहा है पर अभी नो दिया भी। देखिए क्या स्टोरेज स्पेस, नो नो जंक फाइल अभी इसने ऑप्टिमाइज स्टोरेज फॉर फोटोज नो, मैं बैक कर देता हूँ ना फोन, तो बस सो देखिए सो हो चुका है ना, मैं थोड़ा बैक कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये मेरे को आपको दिखाना था बस, क्लब है ना, क्रोम messages page 4 of contact feed sonic group। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो लाइक मतलब कि एक मिनट सब बात करेंगे ना, बस एक मिनट रुक जाइए। यू ड्रा क्विक प्ले गेम ट्रान क्लब क्रोम मैसेज कॉन्टैक्ट फोन अनलिंक कॉन क्रोम एस पी एक मिनट ना फ्रेंड्स, मैं वीडियो को स्टॉप करना वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कीजिएगा। और माफ कीजिएगा वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मेरे से, क्योंकि यार क्या है ना मैंने अभी कि आपको इसे सेट नहीं किया है, मतलब कि कौन सी जगह कौन सा रखना चाहिए मैंने सोचा नहीं था, तो मैंने सीधा ही वीडियो बनाया क्योंकि मैंने चाहता कि बहुत देर हो चुकी है वैसे भी, तो मेरे तरह कोई दोस्त ये सोचे कि ये वीडियो नहीं लगा। तो और एक ज़रूरी बात जाते जाते कि अब से हर रोज़ पहले की तरह वीडियो आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिए, आपसे हर रोज़ आपको मतलब हर दो दिनों में आपको एक ना एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए नॉलेज टेक फॉर ब्लैंक को, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर सेट कीजिए ताकि हम जो भी नया वीडियो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। और हाँ लाइक जरूर कीजिए, अगर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मैं चिन्ह धन्यवाद सेलेक्टेड वीडियो स्क्रीनशॉट्स टैब सेट 202 अनलेबल्ड 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 एंजल एंजल एट 20 30 सेलेक्टेड 19 रेकॉर्ड बटन।